साहब के जो डेथ का न्यूज आया उसका सदमा मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को लगा। लोगों को समझ ही नहीं आया, मुझे तो आया ही नहीं ये क्या हो गया। कल तो वो हुआ इरफान साहब के, आज ये पिंटू साहब के हो गया। मेरे और ऋषि कपूर जी के बड़ा अच्छा रिलेशन था और वो इतना प्यारा आदमी था। सर मेरा क्या कि कोई भी आदमी उसके साथ एक बार काम कर लेगा तो इतना क्लोज हो जाते, वो इतना प्यार से, और इतना उनमें कोई बड़प्पन नाम की चीज ही नहीं थी। वो दो पिक्चर किए हम लोग, एक नसीब अपना अपना सुपरहिट हुई, उसके बाद मोहब्बत की आरजू की, वो बहुत अच्छी गई पिक्चर। ये बात सच है कि हम लोग प्यार झुकताने के लिए उनको अप्रोच किया था लेकिन किसी कारणवश संजोग से नहीं समझ आया, नहीं हुई, कोई बात नहीं। फिर हमने मिथुन साहब के साथ बनाई पिक्चर, पिक्चर सुपरहिट हो गई, गोल्डन जुबली हो गई पिक्चर। फिर हमने नसीब अपना अपना के लिए जब चिंटू साहब को अप्रोच किया तो जब आए थे वो मुझसे मिलने तो उन्होंने कहा यार बुकाड़िया जी ये ट्रॉफी जो है आपकी प्यार झुकता नहीं, ये मिस पे मेरा नाम होना चाहिए था। मैं कहा अभी भी आपका ही है, आप में और हम में क्या फर्क है। और फिर बोले किसी तरह बोले यार मैंने कोई स्टोरी विस्टोरी नहीं सुननी, आप तो हुक्म करो कब शुरू करना है। 30 दिन मुझे एक स्टेज 30 दिन दिए, हमने मद्रास शूटिंग की पिक्चर, नसीब अपना अपना बनी, बन के सुपरहिट हो गई और फिर प्यार और हमारा रिलेशन बरकरार रहा। इसके बाद अभी मेरे लड़के के साथ राजेश बुकाड़िया जी के साथ पिक्चर वो डायरेक्ट करने वाले थे और वो काम करने को तैयार भी हो गए, फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बहरहाल जहाँ भी है वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं और मेरा पूरा परिवार उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं।